और तुम तो नहीं आई थी अब नहीं कि सारी बात खाने का है। वाह कितना तो खूबसूरत बनाया हुआ है लग रहा है। बहुत क्रिएटिव इंसान लोग कॉलेज में एडमिशन लेने लगा है शायद इसलिए इतना खूबसूरत सा बना हुआ है। ये क्या है देखो फिलोसॉफी क्लास जबकि ये हम लोग का कॉमन रूम था लेकिन अब ये फिलोसॉफी क्लास बन गया। और यहाँ से कैंटीन दिख रहा है कैंटीन वही पुराना सा है लेकिन हम सुने थे ना कि अभी बहुत कुछ इसमें नया नया आइटम बिक्री होने लगा है। कर रही है तो अब ऐसा हो गया हम लोग का सिचुएशन। ओह फिलोसॉफी क्लासरूम 11 वो था 10 और ये 11 और सब जगह जगह ये नोटिस बोर्ड भी है। पहले हम लोग जब थे तो ये नोटिस बोर्ड नहीं था। कॉमन रूम ढूंढना पड़ रहा है ऐसा सिचुएशन आपको कैसा लग रहा है। और ये एक क्लास लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा उसमें एक लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पे क्लास हो रहा है आपका? पता नहीं लड़का कुछ बोला नहीं सिर्फ सर हिला दिया। और यहाँ पे है सीसीटीवी हमेशा की तरह हाय। वाओ इधर का गेट खुल गया इधर देखो इधर का दरवाज़ा भी खुल गया पहले जो बंद हुआ करता था। ओ एम जी वो हम सॉरी गर्ल्स कॉमन रूम वाओ कलर भी किया हुआ है पहले का जैसा। और इधर और एक रूम है वाओ ओ माय गॉड ये मिरर और ये गर्ल्स टॉयलेट। इसको हम लोग थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। पता नहीं ये भी लगा ओ 5 रुपये लगेगा वाओ पहले लेकिन ये नहीं था लेकिन ये जो भी किया है बहुत अच्छा किया है क्योंकि चाहिए होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि 5 रुपये का कॉइन डालकर नॉब को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में 2 बार 360 डिग्री में घुमाएं। बिना सिक्का डाले सैनिटरी नैपकिन निकालने का प्रयास ना करें अन्यथा मशीन की नॉब टूट सकती है। ये लेकिन बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है और वॉशरूम भी खूब। यहाँ से ये कितना खूबसूरत कलर किया है ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ये बहुत स्वीट सा कलर है। और यहाँ से वो हाँसी पहाड़ी का पहाड़ भी दिख रहा है वाओ। और ये ऐसा यहाँ पे फैन लगा हुआ है वो चेंजिंग रूम था वो ये चेंजिंग रूम है ये वॉशरूम है और ये ऐसा ही लिविंग एरिया टाइप है। और फिर इधर हम लोग का क्लास होता था बस ये अंदर का थोड़ा मरम्मत कर देने से या फिर थोड़ा कलर कर देने से ना बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये कॉलेज का पीछे का सीन है वाओ पॉलिटिकल साइंस का ये क्लासरूम है और यहाँ पे इसका ये नोटिस बोर्ड टंगा हुआ है वाओ मतलब कि ये रूटीन लगा हुआ है कि कौन सा टाइम पे कौन सा क्लास है क्या है और फिर कौन सा एग्ज़ाम वगैरह का भी मतलब कि ये पहले ऐसा नहीं था काश ये पहले होता। चलो मुझे एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है कॉलेज में ऐसा नहीं है कि जैसा छोड़कर गए थे वैसा ही है इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ है। हम लोग पहले क्या होता था ना पहले क्लास ढूंढते थे कि कौन सा क्लास खाली है या फिर कौन से क्लास में क्लास हो रहा है। और यहाँ भी सेम ये पॉलिटिकल साइंस का रूम है और इधर यहाँ पे एक लेवलिंग किया हुआ है लेबोरेटरी 6 फिज़िक्स और इधर लेबोरेटरी का क्लास होता है फिज़िक्स ऑनर्स लैब अभी तो बंद है शायद जब क्लास होता होगा तभी खुलता होगा ये सब लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इतने साल बाद कॉलेज में आकर। गर्ल्स कॉमन रूम देखकर मुझे और अच्छा लग रहा है और ये दौड़ती हुई आ रही है और वो सीसीटीवी कैमरा हाय। गर्ल्स कॉमन रूम में थोड़ा फोटो क्लिक करते हैं फिर। और ये है पॉलिटिकल साइंस की मैम पहले से लेकर अभी भी है। और ये पानी का पता नहीं अभी पानी निकलता है या नहीं हाँ भींगा हुआ है
ये टीचर्स का रूम है, स्टाफ रूम। वाह, यहाँ पे ये लेबलिंग कर दिया है कि रूम नंबर 7, 8, 9 इधर है, बता दिया है। जो वो पर्दा जब दिख रहा है वो हम लोग का सेमिनार है, लेकिन अभी शायद चेंज हो गया, लेकिन कितना क्लीन किया है ना, वही लिखा है, पर्दा लगा हुआ है, देखो वही सेमिनार का। ओ लेकिन देखो कितना साफ किया, देखो यहाँ पे कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स का ये रूम है। हम लोग के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, और साथ में ये नोटिस बोर्ड सब भी, पता है ये नोटिस बोर्ड सब है, नोटिस बोर्ड सब में रूटीन वगैरह सब लिखा हुआ है। इधर क्लास हो रहा था जिसके कारण हमारा जो टोन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था। रूम वहाँ पे कुछ भैया लोग बैठे हैं जो शायद यूनियन के भैया होंगे और कुछ स्टूडेंट्स होंगे। और ये हम लोग का कैंपस, पहले यहाँ पे जहाँ स्कूटी है यहाँ पे बैडमिंटन खेला होता था, वॉलीबॉल होता था, बहुत मज़ा आता था। इन्हीं में सबके रूम में देखते हैं सर आए हैं या नहीं। ट्वेंटी का सर्टिफिकेट, हाँ दे रहे यहाँ पे एक्स्ट्रा में कंप्यूटर का ही ऐड था, तो मैं उनसे परमिशन लेकर ये इसका फ़ोटो लेने का कोशिश कर रही थी, पर ये थोड़ा हेजी आ रहा था। ये जो पेपर है इसमें हमें साइन करना था, उसके बाद सर्टिफिकेट लेना था। बाहर जाके रखते हैं कि यही नहीं और ये मेरा सर्टिफिकेट बेटा ऑफ करके मस्त आराम से फ़ोन चलाओ, वो भी जान गया, नेट भी ऑफ नहीं कर पा रही है, पता नहीं धुंधला सा क्यों आ रहा है, वहाँ पे लाइट भी लगा रहा है वहाँ पर। ये सर लोग का वो कार है। और ये बाहर का ग्राउंड, इसमें स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स होता है, वो शायद हो चुका है तभी, देखो हाँ। वाइट कलर का ये सब चूना सब है, आके बैठ जाता था धूप में। हाँ धूप खाने। अभी कॉलेज में ये भी स्टार्ट हो गया है, डीसीए कोर्स, ये कंप्यूटर का है पूरा अंदर का। Okay.